नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही सियासत अचानक तेज हो गई है, वो भी महागठबंधन के अंदर। लगातार सीएम पद को लेकर जो चर्चाएं हैं महागठबंधन में, उसको लेकर चर्चाएं जारी है। जहां महागठबंधन के तमाम राजनीतिक जो दल हैं, जो उसके सदस्य हैं, वो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव ही सीएम के उम्मीदवार हो, वहीं राजद ने सीधे तौर पे कह दिया है कि राहुल गांधी ने भी मान लिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही सीएम के कैंडिडेट बनेंगे। लेकिन इसको लेकर लगातार अंतर कलह की स्थिति देखने को मिल रही है। जीतनराम मांझी ने एक तरफ 25 जून तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर और अन्य मांगों को लेकर, और अब इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जीतनराम मांझी दिल्ली जा रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए। लेकिन जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने दांत दर्द का हवाला देकर बात करने से इनकार कर दिया। आप देखिए जीतनराम मांझी क्या कुछ के? हम जा रहे हैं दांत दिखाने, दांत दिखाने, ना ऐसे नहीं, दांत दिखाने जा रहे हैं। मुलाकात होगी सर, मुलाकात होगी सर, रुके सर, मना हो गए, चलो आपने देखा किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें दांत में दर्द है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो राजनीतिक बयानबाजी से बचते हुए दिखे जीतनराम मांझी और वो सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे, बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह ही जब भाई वीरेंद्र से हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार में जो लोग महागठबंधन के सदस्य हैं, अगर वह ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें महागठबंधन से आउट कर दिया जाएगा। ऐसे में अब जीतनराम मांझी का सोनिया गांधी से मिलने जाना क्या कुछ नया समीकरण बनता है, तमाम जो हम आपको अपडेट कराएंगे। अब बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।